Hello learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. तो आपके लिए एक न्यूज़ है जो बहुत दिन से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि भाई एलेट का एग्जाम कब होगा, मैम उसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है. तो फाइनली एलेट का नोटिफिकेशन आ चुका है. जी हाँ, NLUD जो अपना एग्जाम करवाता है एलेट, वो उसकी डेट आ चुकी है एंड द डेट फॉर एलेट इज संडे 8th of December. ठीक है, हमेशा यही होता है, एक हफ्ते का डिफरेंस होता है आपका क्लैट और एलेट के बीच में. अगेन सेम चीज है, 1st of December को आपका क्लैट का पेपर है और 8th of December को आपका एलेट है. जैसा कि पिछली बार हुआ था, 3rd December को क्लैट था और 10th December को आपका एलेट का एग्जाम था. तो लास्ट डेट जो सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका 18th of November है. फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं. जी हाँ, 1st of August से आपके फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं. तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं अगर आप इस पेपर को भरना चाहते हैं. 18th of November इज द लास्ट डे और एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन जो इशू होगा उसकी डेट है 28th of November और 8th of December को ये आपका पेपर होगा. टाइमिंग वही रहने वाली है जो क्लैट की होती है, 2 बजे से 4 बजे तक. अगर हम पीजी प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो LLM 1 year का जो हमेशा से होता आया है. आपकी इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है दैट इज LLB होना चाहिए, इक्विवेलेंट लॉ डिग्री आपके पास या 55% मार्क्स के साथ. अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं या PWD कैटेगरी से हैं तो आपका 50% चलेगा. कैंडिडेट जो फाइनल ईयर LLB में हैं अभी, वो अगर 2025 में रहेंगे फाइनल ईयर में, तो वो भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए. टोटल सीट्स की बात करें तो 70+10, 70 सीट्स आपकी एलेट के मेरिट पर होंगी, 5 सीट्स आपकी फॉरेन नेशनल्स की हैं एंड OCI PIO की हैं फॉर डायरेक्ट एडमिशन ऑन द मेरिट. ठीक है, क्यों? क्योंकि फॉरेन नेशनल्स OCI और PIO जो है वो एलेट देने से एग्जेम्प्टेड है, उनको एलेट नहीं देना पड़ता है. एडिशनल सुपर न्यूमरी सीट जो है आपकी, उसमें एक सीट कश्मीरी माइग्रेंट की है. अब आप अगर कुछ नई चीज देखो तो ये वो है जो मैंने कुछ दिन पहले आपको वीडियो बनाया था, जो अलग से इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था जॉइंट मास्टर्स के लिए या फिर LLM इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एंड मैनेजमेंट. कुछ दिन पहले इसका नोटिफिकेशन निकला था, मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था, इसकी डेट भी एक्सटेंड हुई थी. अब एलेट में भी इसको रख दिया है. ठीक है, कि अगर आप मास्टर्स इन LLM करना चाहते हैं इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एंड मैनेजमेंट, तो फिर इसके लिए भी 25 सीट्स हैं, 25 सीट्स हैं आपके, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं. एंड दोज हु आर जो MA करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? तो भाई सीधी सी बात है, आपके पास 2 बैचलर डिग्री होनी चाहिए सक्सेशन में एक के बाद एक. ठीक है, इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम आपके पास या 5 साल का कोई भी हो रेलेवेंट डिसिप्लिन में आफ्टर कंप्लीटिंग प्लस टू, या इक्विवेलेंट पोस्ट डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपने 4 ईयर का बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर रखा हो. तो बस एक एक्नॉलेज कर रही हूँ कि समवेयर आपके जानने में कोई ऐसा है तो उसको बता सकते हैं आप कि MA भी वो कर सकता है. यहाँ पे भी 25 सीट्स हैं. ठीक है, सो ये हो गया हमारे काम की बात. अब हम देखते हैं और आगे हमारे काम की बात, दैट इज कि भाई कई बार स्टूडेंट्स ने पूछा क्या मैम स्कीम चेंज हो गई है, क्या सिलेबस बदलेगा? जी नहीं. तो सबसे पहली बात आप यहाँ देख सकते हो, ये 2025 का है. जी हाँ, तो हमारे लिए यही काम का है. संडे के दिन आपका ये पेपर होगा, मैं बता चुकी. अब स्कीम को देख लेते हैं. तो सिलेबस जो आपका एलेट 2025 के लिए है वो ऐसा है कि एंट्रेंस टेस्ट आपका MCQ होगा जैसा पिछली बार हुआ, 100 MCQs होंगे जैसा पिछली बार हुआ, 1-1 mark का और बहुत ही सिंपल पेपर था, लिटरली बहुत सिंपल था. 100 MCQs होंगे जो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ से आएंगे, यानी सिर्फ लॉ आएगा, सिर्फ लॉ. फिर से फोकस कर रही हूँ, कोई इंग्लिश नहीं आएगी, कोई मैथ्स नहीं आएगी, कोई रीजनिंग आएगी नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ लॉ आएगा. ड्यूरेशन एग्जाम का आपका 120 मिनट रहने वाला है. नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहती है, जो नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 marks की रहने वाली है. अगर 2 या 2 से ज्यादा कैंडिडेट सेम मार्क्स पाते हैं ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस एग्जाम में, तो मेरिट ऐसे डिसाइड होगी कि सीनियर एज के बेसिस पे या कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स. ठीक है, अगर सीनियर एज है जो उसको मिलेगा प्रेफरेंस, अगर मान लीजिए एज भी सेम हुई तो कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स होंगे. आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से आप एलए 24 का अपना LLM का क्वेश्चन पेपर भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं. तो आप इसको देख के पैटर्न समझ जाएंगे कि बहुत ही सिंपल आपका ये पेपर आता है. ठीक है, अभी तो ये दिख नहीं रहा है, शायद अपलोड नहीं हुआ है जैसा भी, लेकिन आपको ये दिखने लग जाएगा. और अगर मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी की बात हमने कर ली है. ऑनलाइन एप्लीकेशन गाइडलाइंस एक बार आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, या आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा. ठीक है, ध्यान रहे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से फिलअप करनी है, गलती आपको कुछ भी नहीं करनी है. ठीक है, अपने नाम में, अपने पेरेंट्स के नाम में, जो भी आपके क्लास 10th और 12th के सर्टिफिकेट में है, प्लीज उसी को देख के भरिएगा.
अपने नंबर गलत मत भरिएगा, अपनी कैटेगरी गलत मत भरिएगा, सेंटर चॉइस अपनी गलत मत भरिएगा, इन सब पे जरूर ध्यान दीजिएगा। एंड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, यहाँ पे सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है कि साइज कितना होना चाहिए, उस साइज को फॉलो करिएगा, फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक। जितना भी डिटेल लिखा है आप एक बार इसको पहले पढ़िएगा एंड देन ही अपना फॉर्म आप भर सकते हैं। काफी डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। एंड मुझे नहीं लगता और मुझे कुछ बताना चाहिए आपको यहाँ पे। आप फी स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं जाके, ठीक है। अगर एंट्रेंस एग्जाम फीस की यहाँ पे बात हो रही है, हाँ ये काम की है, सॉरी, एंट्रेंस एग्जाम फीस जो है वो बीसी जनरल ईडब्ल्यूएस फॉरेन नेशनल कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 3500 है और एससी एसटी एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 1500 रुपए है, और जो बीपीएल कैंडिडेट्स हैं एससी एसटी कैटेगरी के उनके लिए फी नहीं है, एग्जेम्प्टेड है। अगर आपका हो जाएगा एनएलयू डी में तो आपकी एडमिशन फीस वन टाइम की 10,000 है, ठीक है, वन टाइम मतलब एडमिशन फीस। देन ट्यूशन फीस आपकी होगी 1,47,000, एकेडमिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज के लिए 43,000, स्टूडेंट वेलफेयर फंड 7,000, यूटिलिटी सर्विसेज 20,000, रिफंडेबल एस्टेट डिपॉजिट वन टाइम 25,000, हॉस्टल अकोमोडेशन ये सब आप देख सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ एनएलयू डी नोटिफिकेशन। तो फटाफट से आप फॉर्म भर दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि एनएलयू डी की तैयारी अपने आप हो जाएगी अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो। क्लैट के लिए पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली एलेट की तैयारी अपने आप हो जाती है, आप भर सकते हैं, आपके पास एक ऑप्शन और ओपन हो जाता है, क्योंकि एनएलयू डी क्लैट में नहीं है, ये अपना यही एग्जाम कराता है। तो अगर आप दिल्ली जाना चाहते हो, एनएलयू डी से पढ़ना चाहते हो, तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, आगे पीछे होता है, तो तैयारी सेम होती है, आराम से हो जाता है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। बस हाँ सीट्स कम है यहाँ पे, भाई 70 सीट्स पे आप लड़ रहे हैं, तो 70 सीट की बात करें तो डेफिनेटली आपकी वहाँ पे सीट ज्यादा है, लेकिन एटलीस्ट यू नेवर नो कि कब आपका कहाँ पर हो जाए। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। अगर पसंद आया लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं कराया चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।